क्या दक्षिण अफ्रीकी सरजमी पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीत हासिल करने में कामयाब होगी भारतीय टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं DNP स्पोर्ट्स। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज इस वक्त रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट मैच जहां भारत ने 113 रनों से जीता था, वहीं जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है और टेस्ट सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब निर्णायक मुकाबला 11 जनवरी से केप टाउन के मैदान पर खेला जाएगा, लेकिन इस मैदान के आंकड़ों को अगर देखें तो ये भारतीय टीम के लिए काफी चिंताजनक है। भारतीय टीम के लिए ये आंकड़े इसलिए चिंताजनक है क्योंकि केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर टीम इंडिया ने पिछले 29 सालों में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। भारत ने यहाँ 5 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से 3 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। तो भारत ने इस मैदान पर 1993 में पहला टेस्ट मैच खेला था जो कि ड्रॉ रहा था। इसके बाद 1997 में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 282 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी। 2007 में साउथ अफ्रीका 5 विकेट से जीता था। 2011 में टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ था, वहीं 2018 में कोहली की कप्तानी में भारत को 72 रनों से हार मिली। हालांकि इस बार विराट एंड कंपनी से फैंस को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारतीय टीम अगर इस बार केप टाउन टेस्ट जीतने में सफल रही तो न सिर्फ इस मैदान पर 29 सालों के बाद अपनी जीत का खाता खोलेगी बल्कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा कर लेगी। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया पहली बार अफ्रीकी सरजमी पर कोई टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने कमाल का प्रदर्शन किया है, साथ ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली है। ऐसे में केप टाउन टेस्ट और भी कमाल का होने वाला है। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में अनफिट होने के चलते भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। वे दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे, लेकिन केप टाउन में विराट कोहली की वापसी तय मानी जा रही है। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दौरान विराट कोहली को मैदान पर बैटिंग का अभ्यास करते हुए भी देखा गया। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने विराट के फिटनेस पर कहा था कि कोहली जिस तरह से नेट्स पर अभ्यास कर रहे थे वे फिट नजर आ रहे हैं और 100% वे तीसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए हमें नजर आएंगे। दोस्तों, अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम केप टाउन टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज कर दक्षिण अफ्रीकी सरजमी पर पहली बार सीरीज जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं। दोस्तों, आपका इस टेस्ट मैच को लेकर क्या ख्याल है, आपका भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।